अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ मम्मी घर और पहली सुबह स्टार्ट हो गई है। मेरी मम्मी घर सब जल्दी उठते हैं और जल्दी सोने की रूटीन है, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की रूटीन है। पता चलता है कि हमने एक हेल्दी जो है ना डे स्पेंड किया है। पूरा दिन जो है हमने स्लाइस किया है, ये मज़े की धूप लगी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं सोचा मैं सुबह सुबह जा के आपको दिखाऊँ भाई कि बाइक के क्या नज़ारे हैं। बाइक के नज़ारे मैं आपको भी दिखाती हूँ। सुबह सुबह मैंने लियो को दी आवाज़ और लियो जो है एस यूजर भी मामा की बुलाने पे फ़ौरन आ गया और ये टेल हिला के मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। मैंने इसके साथ बहुत सारी बातें की। ये बेसिकली लड़कर आया था और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ख्मी हुआ हुआ था। कोई मसला ही नहीं, हम हैं ही लियो, डॉन हमें कहते हैं, डॉन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग मेरी कैट है और मुझे हमेशा रिस्पॉन्स करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है मैंने ये बड़े ही खूबसूरत धूप में जो है ये सब बस ग्रीनरी देखी, आंखों को सुकून मिल गया ग्रीनरी देख के। और जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो है मुझसे मिलने के लिए कोई और भी आके बैठा हुआ है। और मैंने देखा यहाँ पे जो है एक मेरी प्यारी सी जो कैंडी है ना वो आके बैठी थी मुझसे मिलने के लिए। कैंडी से मैंने की हाय हेलो और फिर मैं चलेगी ग्रीनरी देखने बाकी वाली। उसके बाद ये है जी सेब, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही पापा को पता चला कि मैं आ रही हूँ, पापा फ्रेश सेब लेकर आए, जबकि घर में पहले से सेब मौजूद थे, लेकिन पापा जो हैं वो जाके फ्रेश लेकर आए कि मैं इसे फ्रेश ला के दूँगा। ये बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सेब, इसलिए मुझे खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है बनाना। मेरी सिस्टर ने मुझे एक बनाना ऑफ़र किया कि तुम एक खा लो, तो मैंने एक रख के उसके हाथ से गुच्छा पकड़ के ही अपनी जो है ना वो गोद में रख लिया। मैं कहा तुम एक खाओ और गुच्छा मुझे दे के जाओ, ये क्या बात हुई, एक केला खा लो। बंदा एक केला भी खाए, अब एक केले खाने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा सारे केले खाने चाहिए। आज मैं अम्मी के घर में बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। अमार को यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा आज मैं अम्मी के घर आके यखनी पुलाव ट्राई करूँ ताकि मैं अमार को बना के दे सकूँ। और अब मेरे पास मेरी बड़ी बहन शेफ है ना, वो खड़ी हुई है, फिर मुझे बताएगी मैंने सही बनाया नहीं बनाया। आए बनाते हैं यखनी पुलाव। पहले मैंने इसमें अनियन डाला है, ऑयल डालना है आपने, ठीक है? पहले ऑयल डालना है, उसको गर्म कर लेना और उसके बाद आपने अनियन करके डालने हैं। अनियन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो पुलाव है ना यखनी पुलाव वो थोड़े बॉयल कलर का रखना है। अगर आपको कलरफुल पसंद है तो आप ज़्यादा प्याज डालें और उसका कलर ब्राउन कर लें, ठीक है? प्याज को ऊपर रखा और साथ ही मैंने यखनी भी बना ली। यखनी जो थी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी। यखनी बनने में टाइम लग रहा था क्योंकि मटन की थी, तो मैंने इसको पहले ही बनाया था और उसके बाद जो है मैंने ये प्याज जो है उसको फ्राई किया था और यखनी जो थी बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद ये तमाम गर्म मसाला था जो कि मैंने इन चावलों में डालना था और मज़े का यखनी पुलाव बनाना था। साबुत गर्म मसाला डालने से ना बहुत ही अच्छा अरोमा आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चावलों का। अब यहाँ पे जो था ये थोड़ा सा कलर निकल आया था और मैंने सोचा इसके अंदर मैं गर्म मसाला डाल के सारा भून लूँ। पहले सोचा पीसा हुआ डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं, यखनी पुलाव में जब तक गर्म मसाला साबुत ना डले कोई मज़ा नहीं आता। साथ ही मैंने अदरक डाला। अदरक तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं दिल खोल कर अदरक डालती हूँ, इसलिए अगर कोई थोड़ा सा डालता ना एक जवा डाल एक पीनी बाइट डालते होंगे तो मैं डालती हूँ 5-6 बाइट उसकी अदरक की। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे यखनी डाल ली थी। गोश्त जो था वो भी गल चुका था बिल्कुल और मैंने सोचा मैं इसके अंदर गोश्त भी डालूँ। और लेकिन मैंने पहले आपको दिखाया कितना मज़े का था, यकीन करें गोश्त इतना खूबसूरत तरीके से गला हुआ था ना, बोटी टूटी भी नहीं हुई थी और गल भी चुकी हुई थी। और साथ ही मैंने क्या किया भला, मैंने फ़ौरन से जो है चावल डाले, गोश्त डाला और उसके बाद तमाम बाकी नमक वगैरह और काली मिर्च डाल के जो है बाकी चीज़ों को पूरा किया और उसको दम लगने के लिए ऊपर रख दिया। कोश माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे ही ऊपर से उठा उठा के खा लूँ, फिर मैंने कहा ना थोड़ा कंट्रोल कर लो। दम पे लग चुके थे, दम जो था वो मैंने बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच पे लगाया था क्योंकि ये जो है ना ये नॉर्मल वाली गैस है, तो इसमें नॉर्मल रख के आप लगाएं तो बड़ा अच्छा होता है। अमार आपके लिए यखनी पुलाव सीखते सीखते ना मैं पसीने में भीग चुकी हूँ, लेकिन मैंने सीख लिया है यखनी पुलाव बनाना, तो मैं आपको आँख के ज़रूर बना के खिलाऊंगी। अगर आप अभी खाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये बन चुका है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको डिलीवर करवाऊँ तो वो भी सहूलत अवेलेबल है आपके लिए। अभी मैं इसका दम जब ख़त्म करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरा यखनी पुलाव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो फटाफट मैंने अपनी प्लेट में पहले डाल लिया कि मैं टेस्ट कर लूँ। उसके बाद हमने डिसाइड किया क्यों ना लेट्स गो फॉर अ पार्टी, और हम चल पड़े पार्टी करने के लिए घर से बाहर। और बहुत ही मज़ा आया हमें ये पार्टी करके। पार्टी में क्या था आपको मैं अभी बताती हूँ। पहले हमने सोचा कि ड्राइव कौन करेगा, फिर मैंने सोचा चलो मैं ड्राइव कर लेती, फिर मैंने सोचा ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो इन्जॉय करने के लिए आई हूँ। तो मेरी सिस्टर से कहा आप खुद ही ड्राइव करो क्योंकि मैं तो आपके घर आई हूँ। तो ऐसे यूजुअल जो है उसी को ड्राइव करना पड़ा और हम निकल पड़े अपनी मस्जिद मसूद पे। बाहर रौनक थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी कि इवन के मैंने जो है ना अपना फ्लैश भी ऑन नहीं किया था, तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग जो थी बाहर थी कि ईजिली जो है ना ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर हो पा रही थी। हर लोग कोई कोई लोग जा रहे होते हैं, कई लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग इस टाइम परेशान होते हैं, कुछ लोग जो है वो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और हमने यहाँ मंगवाए हैं ये गोलगप्पे, यम, बहुत ही मज़े के और टेस्टी गोलगप्पे थे। और इसके अंदर जो इसकी फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, खट्टा मीठा और गोलगप्पे, वाओ सो यमी। मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन गोलगप्पे की प्लेट जो है हमेशा पूरी होनी चाहिए, आधी प्लेट से कोई मज़ा नहीं आता। तो अब मैंने सोचा ये गोलगप्पा मैं आपको दिखाऊं कि मैं खाने लगी हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था और बहुत ही मज़ा आया। गोलगप्पे खा के जो है मैंने वाकई बहुत इन्जॉय किया, बहुत यमी गोलगप्पे थे। और इसके साथ अगर आपको भी गोलगप्पे पसंद है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको गोलगप्पे पसंद है। और ये यम था बिल्कुल, मैं हमेशा यहीं से खाती हूँ और यहाँ खा के जो है ना मुझे बड़ी तसल्ली हो जाती है। अब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। हमने जो गोलगप्पे खाने का प्लान बनाया था, जो हमने पार्टी करनी थी गोलगप्पों की, वो बिल्कुल लाजवाब थी, क्योंकि हमने रेस लगाई कि कौन जल्दी खाता है और इसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। और वापसी भी हमने लगाए हाई वॉल्यूम में साउंड, यानी हमने लगाए हैं अच्छे से सॉन्ग और साथ में हमने गुनगुनाया है, और हमने अपनी वापसी का सफ़र बड़े खूबसूरत तरीके से तय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और लाइक का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।